गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का नए दिन और नए ब्लॉग में। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बना रही हूँ। वजह ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और तबीयत ठीक में सबसे पहले जो होता है, बाकी चीज़ें तो मैं झेल लेती हूँ, लेकिन मेरे मुँह का जो दर्द था, बहुत सारे छाले हो गए थे, अभी काफ़ी ठीक है। तो उसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बोलने में दिक्कत हो रहा था मेरे को। और जो मेरा अभी लास्ट ब्लॉग था, आप लोगों ने उसमें भी मेरी आवाज़ को, अगर जिन्होंने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा है तो उनको पता होगा कि मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे से जब मुँह ठीक हो जाएगा तो उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। और आप लोगों को मैंने न्यू ईयर का विश भी नहीं किया था, तो मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सबका ये नया साल मंगलमय हो और सबकी जो भी इच्छाएं हैं, दाता राम जी की इच्छाओं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो यही सब के साथ आज का वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। तो अभी भी मेरी तबीयत उतनी खास ठीक नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा जुकाम बुखार ये सब चल रहा है। और आजकल मेरा भाई भी घर जाने वाला है, तो थोड़ा सा शॉपिंग वगैरह भी चल रही थी, वो सारी तैयारियाँ। तो उसमें क्या क्या लिया है सारी शॉपिंग में, कल बैग पैक करूँगी, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि क्या क्या लिया है। आज भी मैं शॉपिंग के लिए गई थी, आज मैं अकेले गई थी, तो कुछ चीज़ें रह गई थी, और देखते हैं बाकी सब चीज़ें हो गई है, फिर भी कुछ चीज़ें रह जाएंगी, तो वो कल तक ले लेंगे। तो चलो आप लोग बताना आप लोगों का कैसा रहा न्यू ईयर। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए। तो ये मेरा हाथ में है मास्क, क्योंकि नोजी आ रही है ना, तो उसके लिए ये लगाना पड़ रहा। मैं बाहर गई थी तो ये लगा के ऐसा रहता, सेफ रहता। और जो ये फैलने वाला ही होता है ये चीज़ें, तो कि दूसरों को भी ना फैले, प्रिकॉशन रखना पड़ता है। क्योंकि मुझे ये फीवर मेरे हस्बैंड से आया, उनको हुआ था, तो बार बार जैसे खांस रहे थे ना ऐसे, तो मेरा वैसे इम्यूनिटी ठीक रहा है, मेरे को उतना होता नहीं है। उनको काफ़ी तीन चार दिन तक उनको फीवर था, उन्होंने तो दवाई ली थी, और मैं दवाई नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे दवाई से दिक्कत हो जाती है। तो मैंने बीच में कुछ ट्रीटमेंट लिया था, तो मैंने आयुर्वेदिक दवाई खाई थी, उसी से मेरे को ये स्किन एलर्जी हो गई है। तो नॉर्मल मैं ऐसी दवाई खाती नहीं हूँ, पहले से ही मैं अवॉइड करती हूँ, दो तीन दिन ऐसी फीवर को बर्दाश्त कर लेती हूँ, तो एकदम से दवाई खानी भी नहीं चाहिए। और एक चीज़ आप लोगों के साथ और शेयर करती हूँ, ये देखो मेरे हस्बैंड ने ना मेरा ये ट्राइपॉड, ये सेल्फी स्टैंड तो दिया है, इस पर वीडियो मेरे को कुकिंग का, जैसे मैं शूट करती थी ना तो ईजी होता था, तो इसको ना ये जो ये वाला हिस्सा है ऐसे रहता है, तो ये नहीं घुमाया उन्होंने, इसको घुमाया नहीं, और इसको ये ऐसे फ्लैग इस ऐसे घुमा करके खुलता और ऐसे होता है, और ये उन्होंने इसको ढीला नहीं किया, ऐसे घुमा दिया तो ये टूट गया है। और मैं सोच रही हूँ इसको फैब्रिक्विक से चिपका के देखूँगी, क्योंकि बिना इसमें थोड़ा सा रील वगैरह बनाने में अच्छा रहता है स्टैंड पे लगा के। और अभी भी मैंने वो जुगाड़ से उसको अटका के रखा हुआ है। तो अभी मैं बाहर से भी आ रही हूँ, तो अभी मेरा घर का काम आज मैंने कुछ भी नहीं किया, बस बर्तन वगैरह किए हैं और झाड़ू पोछा नहीं किया। घर मेरा उतना गंदा रहता नहीं है, बट बिना झाड़ू पोछा किए अच्छा लगता नहीं है, लेकिन इतना भी मेरे को कैपेसिटी नहीं थी, आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हो कि दिक्कत हो रही है मेरे को। पर मैंने सोचा कि काफ़ी दिनों से ब्लॉग नहीं गया है, तो एक वीडियो ही बना लेती हूँ। और हाँ, आप लोग बिग बॉस देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, और बिग बॉस कैसा लग रहा है? वैसे बिग बॉस तो काफ़ी बकवास है, लेकिन मैं फिर भी अनुराग को, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से हूँ, तो अनुराग डोवाल को सपोर्ट कर रही थी। तो जिस दिन वो इविक्ट हुआ ना, मेरे को रोना आ रहा था, क्योंकि उसके साथ जो स्टार्टिंग से बिग बॉस में हो रहा था ना, वो अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो उसकी बातें थी, उसकी बातों को सुना ही नहीं गया, अनसुना किया हुआ था, और वो पॉइंट वाली बातें बोल रहा था लेकिन उसको बोलने ही नहीं दिया। और जब वो मैंने उनका देखा कि इविक्ट हुए, तो उन्होंने जो वीडियो में जो चीज़ें उन्होंने बोली वो सही है, क्योंकि हम मुझे भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें फील हो रही थी। और अभिषेक के साथ भी बहुत गलत हो रहा है, वैसे अभिषेक भी इतना दूध का धुला नहीं है, बट फिर भी मतलब चढ़ चढ़ कर इतना पोक करता है, वो देख के ना सर में दर्द हो जाता है। इतना हमारा इतना कैपेसिटी तो नहीं है किसी के साथ लड़ने का और इतना लेने का। तो बिग बॉस को एंटरटेन की जगह पे ना इन लोगों ने एक ऐसा शो बना दिया ना, जिसमें धज्जियाँ उड़ा रहे हैं पर्सनल लाइफ की एक दूसरे की, तो ये शो तो फैमिली शो तो रहा नहीं ऐसे दिखाने लायक। और वो पवित्र रिश्ता की जो एक्टर है अंकिता,
वो सीरियल में, मेरे को पता है कि सीरियल में तो उनका कैरेक्टर होता है, रियल लाइफ में कौन कैसा होता है वो पता चलता है, लेकिन मेरे को वो उनका गेम भी पसंद नहीं आ रहा है, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। हो सकता है इसमें जो उनके फ़ैन है वो ऑफेंड हो जाए, सीरियल में हमें अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ पर वो बिना मतलब के सुशांत राजपूत जी को लेके आ रही है, जो कि अभी बोलने के लिए यहाँ पे अभी है ही नहीं, तो उनका नाम यूज़ करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक तरफा कोई अपने आप को, वो मेरे को लगता है वो सिंपैथी गेम खेल रही है। तो मैं बिग बॉस की पहले से फ़ैन रही हूँ, लेकिन 13 के बाद मैंने देखा नहीं था, सिद्धार्थ शुक्ला जी के बाद का जो आया था वो मैंने नहीं देखा, और इस बार देख रही थी तो वो भी यूके राइडर की वजह से ही देख रही थी, और जिस दिन उनका एविक्शन हुआ था उस दिन भी अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन बिग बॉस से ही मेरे को पता चला, और फिर मैंने धीरे धीरे वीडियो देखना स्टार्ट किया, और उसी वजह से मैं बिग बॉस देखती भी हूँ। अभी देखते हैं क्या होता है, और आप लोग बताना आप लोग बिग बॉस देखते हो कि नहीं, बिग बॉस के फ़ैन हो कि नहीं, और आपका फेवरेट कौन है। तो मेरे फेवरेट तो बाहर, जो मेरे फेवरेट वो बाहर हो चुके हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। तो चलो, आज मैंने थोड़ा आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर की और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, देखती हूँ अब आगे धीरे धीरे मैं अप टू डेट होती हूँ ब्लॉग में, और मिलती हूँ आप लोगों से स्वस्थ मस्त होकर, आप लोग भी स्वस्थ रहें मस्त रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।